तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की अपने वोकैब की सीरीज़ को। तो आज के अपने वोकैब की सीरीज़ में पहली वोकैब है हमारी एलोक्वेंस। एलोक्वेंस मीन्स होता है उत्तम बोली, और उत्तम बोली को मैंने ट्रिक दिया है फोइब, यानी फोइब को मैंने फाइव बोला है, वो फोइब है लेकिन इसको हम क्या समझ रहे हैं, फाइव। तो फाइव माने क्या होता है, इसको संस्कृत में फाइव को बोलते हैं पंचम, यानी पंचम स्वर में बोली उत्तम मानी जाती है। जो पंचम स्वर होता है संगीत में, वो जो पंचम स्वर होता है वो उत्तम बोली मानी जाती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फोइप लिया है, पंचम को क्या माना है, फोइप। फोइप में मैंने फा को एफ माना है, और ओ को, ओ की मात्रा को ओ दे दिया है, और ई को ई दे बनाया है, पा को पी बनाया है। तो देखते हैं, पहला है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स होता है धारा प्रवाह। ऑरेशन मीन्स होता है भाषण या वचन। एक्सप्रेशंस मीन्स होता है हाव भाव। और आ जाते हैं नेक्स्ट पेरेशन, और पेरेशन मीन्स होता है अनुमान। तो गाइज ये इसके सिनोनिम्स हुए हैं। आते हैं अब इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में है पहला है हमारा हाल्टिंग। हाल्टिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना या लड़खड़ाता। नेक्स्ट है हमारा स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मीन्स होता है हकलाते हुए। और नेक्स्ट है हमारा इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मीन्स होता है अव्यक्त करना। इन आर्टिकुलेट मीन्स होता है अस्पष्ट। तो गाइज आते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब पे। नेक्स्ट वोकैब है हमारी इलिमिनेट। इलिमिनेट मीन्स होता है निकालना। ट्रिक है इतना रकम औरों को निकाल कर देना ठीक नहीं। तो देखिए मैंने इतना को मैंने बना लिया है ई। इतना से मैंने क्या बनाया है, ई रकम। इतना के ई बनाया है, ई से मैंने दो ई लिए हैं, रकम पे आर बनाया है, और पे ओ बनाया है। अब आ जाते हैं इसके वोकैब पर। तो पहला वोकैब है हमारा एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स होता है बाहर करना, और एक्सक्लूड मीन्स होता है निकालना, रिमूव मीन्स हटाना। और है नेक्स्ट हमारा है आउस्ट। आउस्ट मीन्स होता है बेदखल करना। आ जाते हैं गाइज इसके अपोजिट वर्ड पर। अपोजिट वर्ड में आ जाते हैं रिस्टोर। रिस्टोर मीन्स होता है फिर से चंगा करना या फिर से चंगा करना। आ जाते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है मान लेना या फिर कोई चीज़ स्वीकार लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट रिटेन। रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना, बनाए रखना। और इंक्लूड मीन्स होता है शामिल कर लेना या फिर समाविष्ट कर लेना, समाविष्ट कर लेना। तो गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब में। नेक्स्ट वोकैब हमारा है एलवेट। एलवेट मीन्स होता है ऊपर उठाना या पद को बढ़ाना। ट्रिक हमारी पर्दा है तो सम्मान दिखता है। पर्दा आदमी सम्मान के लिए करता है, तो पर्दा है तो सम्मान दिखता है। तो पा को मैंने पी दिया है, रा को आर, दा को डी, और हा को एच दिया है। अब आ जाते हैं इसके वोकैब पर। पहला देखिए प्रमोट। प्रमोट मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। और रेज। रेज मीन्स होता है ऊपर उठाना। और डिग्निफाई। डिग्निफाई मीन्स होता है सम्मान करना। और है हाइटन। हाइटन मीन्स होता है बढ़ाना। आते हैं इसके अपोजिट वर्ड पर। अपोजिट वर्ड में पहला हमारा डिप्रक्रेट। डिप्रक्रेट मीन्स होता है निंदा करना। डिनाउंस मीन्स होता है इल्ज़ाम लगाना। और लोअर मीन्स होता है निम्न स्तर। और डिक्लाइन मीन्स होता है अवनति या ह्रास होना। आते हैं नेक्स्ट वोकैब में। नेक्स्ट वोकैब है हमारी एलगेंट। एलगेंट मीन्स होता है सुंदर, सुडौल। गदर पिक्चर में सनी की बॉडी, यानी सनी देओल जो था उसकी बॉडी कैसी थी, सुंदर सुडौल थी। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक दे दिया है गदर। तो गदर में गा को जी, दा को डी, और रा को आर, पिक्चर का पी बना लिया है। तो आ जाते हैं इसके वोकैब पर। पहला है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मीन्स होता है सुखद। और डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है उत्कृष्ट। और रिफाइंड मीन्स होता है शुद्ध। और पॉलिश्ड मीन्स होता है सभ्य या चिकना। अब आ जाते हैं इसके अपोजिट वर्ड में। एबनॉक्सिस मीन्स होता है अधीन। और आ जाते हैं नेक्स्ट वोकैब में। अनरिफाइंड मीन्स होता है असभ्य लोग। और रेडिक्यूलस मीन्स होता है बेतुका। और नेक्स्ट आ जाते हैं कोर्स। कोर्स मीन्स होता है अशिष्ट। नेक्स्ट वोकैब है हमारी एलेशन। एलेशन मीन्स होता है उत्साह या आनंद। ट्रिक है डीजे पर नाचने का आनंद उत्साह अलग ही है। तो मैंने ट्रिक ले लिया है इसका डीजे।
डीजे का डा को डी बनाया है, ई को ई बनाया है, जा को जे और ए को ई में कन्वर्ट किया है। तो देखिए वो कैप क्या बनी है हमारी, पहला है डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है आनंद, और एग्जॉलेशन मीन्स होता है उत्कर्ष, जॉय मीन्स हर्ष, और आ जाते हैं नेक्स्ट में इंथ्यूजिएशन माने होता है उत्साह। आ जाते हैं इसके अपोजिट वर्ड में, ग्लूम मीन्स होता है निराशा, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, और डिस्प्रेशन मीन्स होता है ग्लानी, और नेक्स्ट में आ जाते हैं मेलनकॉली, मेलनकॉली मीन्स होता है गहरी उदासी। आते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब पर, नेक्स्ट वोकैब है हमारी इफेस, इफेस मीन्स होता है मिटाना या नष्ट करना, और ट्रिक मैंने दिया है पढ़ने में अड़ जाओ, यानी अड़ जाओ तो अच्छा है, पढ़ने में अड़ जाओ मतलब टिक जाओ तो अच्छा है। तो आ को मैंने दे दिया है डबल ए, डा को डी और ओ को ओ दे दिया है। अब आ जाते हैं इसके वोकैब पर, देखिए पहला वोकैब है हमारा अलाइनमेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, एनी हिलेंट कह सकते हैं इसको, एनी हिलेंट मीन्स होता है मिटाना, एबोलिज मीन्स होता है मिटाना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, और एबिल्ट्रेट मीन्स होता है मिटाना। तो ये गाइज ये इसके सिनोनिम्स हुए। आते हैं इसके एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स में है रिटेन, रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना, मेंटेन मीन्स बनाए रखना, रिजनरेट मीन्स होता है उत्थान करना, और आ जाते हैं रिजरेक्ट, रिजरेक्ट मीन्स होता है दोबारा शुरू करना। नेक्स्ट वोकैब है हमारी, नेक्स्ट वोकैब हमारे हैं एक्सटेसी, एक्सटेसी मीन्स होता है उल्लास, यानी दौरे पर, दौरे पर यानी दौरे पर, यानी दौरे पर मंत्री का उत्साह दिखाई दिया। तो दौरे को मैंने दा को डी, ओ को ओ, रा को आर और ए को ई में कन्वर्ट किया है। डिलाइट में आते हैं वोकैब में, क्या बनी है इसके सिनोनिम्स, डिलाइट मीन्स आनंद, ओवर जॉय माने होता है अधिक प्रसन्न होना या अधिक प्रसन्न होना, रैप्चर्स मीन्स होता है अनुराग, और आ जाते हैं एग्जल्टेशन, एग्जल्टेशन मीन्स होता है उल्लास। आते हैं इसके एंटोनिम्स में, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, और कैलिमिटी मीन्स होता है आपदा। नेक्स्ट में आ जाते हैं और डोल्ज, ठीक है, डोल्ड्रम्स मीन्स होता है उदासी, और डिस्प्रेशन मीन्स होता है निराशा। आते हैं इसके नेक्स्ट वोकैब पर, नेक्स्ट वोकैब हमारा है एक्सटेन इसेंट्रिक्स। देखिए इसेंट्रिक मीन्स होता है झक्की, ट्रिक मैंने दिया है झक्की व्यक्ति को सभी ने कोसा, झक्की व्यक्ति को सभी ने कोसा, तो कोसा मैंने का को कोसा ट्रिक बनाया है, कोसा में का को सी, ओ को ओ, सा को एस और बड़े आ के मंत्रा को ए में कन्वर्ट किया है। अब आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में, सिनोनिम्स पहला हमारा क्रैंकी। देखिए क्रैंकी मीन्स होता है विचित्र या चिड़चिड़ा, ऑड मीन्स होता है विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स होता है अनजान या विचित्र, एबनॉर्मल मीन्स होता है असामान्य। इसके अपोजिट वर्ड में आ जाते हैं नेचुरल मीन्स होता है वास्तविक, कन्वर्सेशनल मीन्स होता है परंपरागत तरीके से, और आते हैं अनयूनिफॉर्म माने होता है यानी यूनिफॉर्म मीन्स होता है वर्दी, और लास्ट में आ जाते हैं मेथोडिकल, मेथोडिकल मीन्स होता है नियमित, मेथोडिकल मीन्स नियमित। आते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब में, नेक्स्ट वोकैब हमारा है अर्निस्ट, अर्निस्ट मीन्स होता है गंभीर, ट्रिक है एक्सीडेंट में असरदार चोट लगने से उसकी हालत गंभीर है, तो मैंने इसके ट्रिक क्या बनाई है असरदार, असरदार से मैंने आ से ए, सा पे एस, रा पे आर और दा पे डी बनाया है, मतलब क्या होता है गंभीर। आ जाते हैं इसके वोकैब पे, वोकैब है हमारा पहला है अर्डेंट, अर्डेंट मीन्स होता है उत्साही। नेक्स्ट में आ जाते हैं सिंसियर, देखिए सिंसियर मीन्स होता है निष्कपट। नेक्स्ट में आ जाते हैं रेजुलेट, देखिए रेजुलेट मीन्स होता है साहसी। नेक्स्ट में आ जाते हैं डिटरमाइंड, डिटरमाइंडेड मीन्स क्या होता है दृढ़ निश्चय। अपोजिट वर्ड में आ जाते हैं एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स में इसका है अनहिडिंग, अनहिडिंग मीन्स होता है असिस्ट, और आ जाते हैं फ्रेवलस, फ्रेवलस मीन्स होता है तुच्छ, नेग्लिजेंट मीन्स होता है असिस्ट, और केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। आते हैं गाइज आज की लास्ट वोकैब में, लास्ट की वोकैब हमारी है इवेशन, इवेशन, इवेशन मीन्स होता है टाल मटोल करना। तो देखिए ट्रिक क्या बनाया है, टाल मटोल करने पर विवाद पनपा, पनपा पे ट्रिक बनाया है, पा पे पी, ना पे एन, फिर पा पे पी और बड़े आ की मंत्रा पे ए। आ जाते हैं इसके वोकैब पर, पहला है प्रेवर, प्रेवरेकेस्ट,
प्रेवर कैट में प्रेवरिक कैट मीस होता है टैलमटोल करना, नेगलेक्ट मीस होता है बेपरवाही, और प्रेटेंट मीस होता है बहाना बनाना, अवॉइड मीस होता है टालना। आते हैं इसके अपोजिट वर्ड पर, अपोजिट वर्ड में आते हैं रिस्पॉन्स मीस होता है जवाब या फिर उत्तरदायी, डिफेंस माने सुरक्षा, और नेक्स्ट में आ जाते हैं कंप्लायंस, कंप्लायंस मीस होता है अनुकूलता, एक्शन मीस होता है प्रक्रिया। तो गाइस इस तरह आज की वोकैब की सीरीज़ कंप्लीट हुई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब में, तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइस।